राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे। जय माता की। कैसे आप सभी लोग, हम आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। और बताने के लिए कमेंट में राधे राधे जय माता की कुछ भी लिख सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है। पितृपक्ष का प्रारंभ 29 सितंबर से हो गया है और ये 14 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। तो पितृपक्ष के इन 16 दिनों में श्राद्ध के जो भी शुभ कार्य होते हैं, देखिए ये बहुत ही शुभ दिन होते हैं। कहा जाता है कि पितृपक्ष ऐसा है वैसा है, लेकिन देखा जाए तो ये शुद्ध और शुभ दिन ही तो होते हैं कि हम अपने पितरों को याद करते हैं। इतना हर घर में उनको याद किया जाता है, उनके प्रति श्रद्धांजलि, उनके प्रति जो भाव व्यक्त किए जाते हैं, जिस प्रकार से पूजा अर्चना दान आदि किया जाता है, तो ये बहुत ही पवित्र दिन माने जाते हैं। जो 16 दिन ये होते हैं अपने पूर्वजों को याद करने के लिए, उनके प्रति सम्मान दिखाने के लिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए। और बहुत सारे लोगों के मन में तरह तरह के संदेह उत्पन्न होते हैं कि पितृपक्ष अशुद्ध होते हैं, पितृपक्ष के दिन ऐसे होते हैं, पितृपक्ष के दिन वैसे होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, शुभ कार्य जो होते हैं जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, कोई नया सामान खरीदना, ये सारे कार्य पितृपक्ष के दौरान नहीं किए जाते हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा बहुत बार ऐसा टाइम आता है जब हम ये सारे कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ही शुभ दिन जब होते हैं तब हम उन दिनों में इन शुभ कार्यों को, मांगलिक कार्यों को करते हैं। किंतु ये जो 16 दिन होते हैं ये पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। किंतु ये वो दिन होते हैं जब हम अपनों को याद करते हैं जो हमें छोड़कर चले जाते हैं और जिनके प्रति हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो चलिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं जो हम सभी के मन में संदेह उत्पन्न होते हैं कि पितृपक्ष के दिन अशुद्ध हैं, पितृपक्ष के दिन शुभ नहीं है, पितृपक्ष के दिनों में हम मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं, तो हमें ईश्वर को स्पर्श नहीं करना चाहिए, हमें ईश्वर की आराधना नहीं करनी चाहिए, हम पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे संदेह जो बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं, उन्हीं के विषय में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है, आप सभी को पता है आज पूर्णिमा का श्राद्ध था। और देखिए, श्राद्ध का क्या मतलब होता है? श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य, तो अपने पितरों, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा से किया गया जो कार्य होता है उसे ही श्राद्ध कहा जाता है। और जहाँ श्रद्धा का भाव आ जाता है और जहाँ पर हम अपने पितरों की बात करते हैं, वहाँ ईश्वर का तो पहला स्थान होता है, क्योंकि पहली श्रद्धा तो हमारी ईश्वर के प्रति जो आस्था होती है उसी में होती है। और पूर्वजों को भी हम देवता स्वरूप ही तो मानते हैं कि जो हमें छोड़कर चले गए हैं, उनके प्रति तभी तो हम इतना सारा, उनके निमित्त हम तरह तरह के पुण्य कार्यों को करवाते हैं, पूजा अनुष्ठान, तर्पण, क्या क्या नहीं होते हैं ना। तो इस प्रकार से आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि जो ये कहा जाता है कि श्राद्ध के दिनों में ईश्वर को स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन हम आपको बताएं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्राद्ध के दिनों में ईश्वर को स्पर्श क्यों नहीं करना चाहिए भाई? श्राद्ध के दिनों में ईश्वर की पूजा उसी प्रकार की जाती, उसी प्रकार से जैसे हम नित्य प्रतिदिन करते हैं। तो पूजा जो हम ईश्वर की करते हैं अपने घर में, जो हमारी दिनचर्या होती है प्रतिदिन प्रातः काल की, उसी प्रकार से हमें अपने भगवान की प्रतिदिन पूजा करनी है। यदि मंदिर जाने का आपका नियम है तो जैसे आप मंदिर जाते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं या लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से आपको सब कुछ करना है।
कुछ भी इसमें बदलाव नहीं लाना है। जिस प्रकार से आप नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, जिस प्रकार से आप अपने मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, जो आप मंदिर का रूटीन है आप उसको वैसे ही फॉलो कीजिए। उस पूजा को आप बढ़ा तो लीजिए पर कम मत कीजिए, और अच्छे से पूजा पाठ कीजिए। और श्राद्ध के दिनों में तो आपको पूजा और अधिक करनी चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ करने से हम अपने ईश्वर को जब मनाते हैं तो ईश्वर के द्वारा ही तो हम उनकी आराधना करके ही तो हम अपने पितरों का तर्पण आदि करवाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना जिस प्रकार से आप करते आए हैं नित्य प्रतिदिन वैसे ही कीजिए, और मंत्र का जाप तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। पितृ पक्ष के दिनों में, श्राद्ध के दिनों में आप जो भी माला पे जाप करते हैं या फिर आप ऐसे ही, और सबसे अधिक आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप जो होता है वो पितृ पक्ष में बहुत ही शुभ फलदायी होता है और बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं यदि गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। माला पे नहीं करना है तो 10 मिनट बैठ के कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 मिनट किया गया गायत्री मंत्र का जाप बहुत ही शुभ फलदायक होता है। ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस कार्य को करेंगे, है ना। और नहीं तो जो भी आप पूजा करते हैं अपनी पूजा को आप निरंतर करते रहिए, और ऐसा मन में कोई भी भ्रम मत पालिए कि इन दिनों में पूजा पाठ नहीं किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पितृपक्ष में तो लोग बढ़ चढ़ के पूजा करते हैं, क्योंकि पूरे पितृपक्ष जिन लोगों को पितृतर्पण आदि कराना होता है उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो पूर्ण ये शुद्धता के दिन होते हैं। देखिए इसीलिए शादी आदि के जो मांगलिक कार्य होते हैं वो नहीं किए जाते हैं, क्योंकि जब विवाह आदि के शुभ कार्य होते हैं तो बहुत सारे और भी कार्य साथ में किए जाते हैं। इस प्रकार से ये जो दिन होते हैं ये ईश्वर के प्रति और अधिक अपना विश्वास बढ़ाने के दिन होते हैं, ईश्वर की निकटता पाने के दिन होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, गीता का पाठ कीजिए, रामायण जी का पाठ कीजिए। गीता का पाठ बहुत शुभ फलदायी होता है। जितना कर सकते हैं कीजिए और मन में किसी प्रकार का भ्रम ना पालिए। मेरे ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं, उनके मन में भ्रम होता है कि पितृपक्ष के दौरान पूजा पाठ नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं होता है। ये जो 16 दिन होते हैं पितृपक्ष के, इनमें पूजा पाठ किया जाता है, ईश्वर की आराधना की जाती है, ईश्वर की सेवा की जाती है, और वो सब करने के साथ साथ अपने पूर्वजों के प्रति दान, ब्राह्मण भोज इत्यादि कार्य भी किए जाते हैं। कौआ, श्वान और गाय माता, इनकी सेवा की जाती है। चींटियों को आटा डाल के उनकी सेवा की जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो श्वान यानी कि जो कुत्ता होता है, जो कौआ होता है, हमारे जीवन में जो भी घटना घटने वाली होती है उसके एक महीने पहले से ही उसको एहसास हो जाता है। 48 घंटे पहले उसको एहसास हो जाता है, 15 दिन पहले भी एहसास हो जाता है कि क्या घटने वाला है। कई बार हम लोगों ने इन सब बातों का अनुभव किया है कि कुत्ता अचानक से रोने लगता है, कौवा जो होता है वो देखिए जब वो शुभ संदेशा लेकर आता है तो घर के किसी कोने पर बैठकर बोलता है, और जो अशुभ संदेशा लेकर आता है वो घर के किसी कोने पर बैठता है। तो हर चीज़ का अपना अलग अलग मतलब हर चीज़ का संकेत हमें मिलता है। और पहले के टाइम में हम काफ़ी अपने करीब अभी 25-30 साल पुराने समय को यदि याद करें तो घरों में इस प्रकार से अनुमान लगाया जाता था कि यदि कुत्ता रो रहा है तो कुछ अशुभ घटना होने वाली है, या कौवा कहीं पे बैठ के किस प्रकार से कि कभी मेहमान आने वाले हैं तो कौवा के द्वारा पता चल जाता था कि आज कोई मेहमान आएगा, कोई अशुभ संदेशा आने वाला है तो पता चल जाता था कि आज काग ऐसे बोल रहा है तो इस तरह से कुछ होने वाला है। तो देखिए ना, ये जो है ये कौवा और जो श्वान, गाय माता, जितने ये जानवर होते हैं इन्हें हर चीज़ का एहसास होता है। इन्हें प्रकृति ने कुछ ऐसे सेंस दिए हैं जो हमें नहीं दिए हैं। इनके पास इस तरह के सेंस हैं कि इनको हर चीज़ का पहले से ही संदेशा मिल जाता है। कह सकते हैं कि इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है
जो हमारे मतलब ये यमराज जो होते हैं उनसे डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो इन्हें अच्छे और बुरे का एहसास हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं सारी बातें करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी बातें ऐसे ही डेली लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आपके जान पहचान में किसी को इस प्रकार का भ्रम है कि श्राद्ध के दिनों में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, तो आप ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी हेल्प मिलेगी। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही एक बहुत उपयोगी वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। राधे राधे, जय माता की।